उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लिए बिना निशाना साधा, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर जमकर पलटवार किया। कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी बातों से दुख साफ नजर आ रहा है। सच्चाई ये है कि सपा सरकार के दौरान 2017 से पहले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, ज्यादातर सीएचसी बंद होने की कगार पर थी। जिला अस्पतालों की स्थिति भी दयनीय हो गई थी। मैं कह सकता हूं कि 108 के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा किया है, उसमें पहले से सुधार हुआ है। अब सरकार के प्रयासों से हर जिले में मेडिकल कॉलेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 69 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं, उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इससे पहले नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को लेकर सवाल उठाए थे। नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत, मानक के तहत जो डॉक्टर्स होने चाहिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो अभी भी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है। सीट बढ़ाने से, केवल बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा, उससे अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। जब तक जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो कहती है उसके मानक से डॉक्टर हो, स्टाफ हो, इसके साथ साथ जो आपके जिला अस्पताल है वहाँ इलाज नहीं है, पीएससी सीएससी की हालत बहुत खराब है। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के बहाने ही सही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को प्रदेश की असली तस्वीर दिखाने की कोशिश की। अब ये जनता को तय करना है कि किसकी बात में दम ज्यादा।